55 से लेकर 55 तक हर उम्र के लिए रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह, एक बार अवश्य पधारें। बेल्टवॉल्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले के खनिज विभाग से एक मामला सामने आया है, जहां पोकलैंड मशीन के संचालक के द्वारा अपनी रिश्वत वापस मांगने की बात कही गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाई, एक व्यक्ति के द्वारा और भी आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर से बात की गई, तो उनका भी क्या कहना है, आइए सुनते हैं विस्तार से। क्या हुआ, मशीन चलवाते हैं किसानों के तालाब वगैरह, पानी की दिक्कत होती है, उनके तालाब वगैरह गहरीकरण का काम करते हैं, फिर मेरा बंधन का काम करते हैं। हम हटा में शकील पठान की तलिया को गैरी कर रहे थे, गैर होने के बाद काम निपट गया, तो हमने मशीन उनकी फार्म हाउस पर रख रही थी, क्योंकि तो सुरक्षित थी मशीन। 3 दिन बाद राजपूत साहब गए, मैं ऑपरेटर हूँ मारू, उसके बाद मशीन में तालो डाल के आ गए। अब इतिहास के लिए 2 लाख रुपया जुर्माना दो, अब जुर्माना इसे दो कि इनको हमने कहीं दो ने तो बड़े साहब को हम देखेंगे। पंकज सोनी ने हमसे पैसा लिए थे। कितने पैसे लिए? 40,000 रुपये लिए थे। किस बात के लिए थे? इसके तुम किसानों के तो मशीन चला तो पैसा तुम्हें लगे। कब दिए थे पैसा? दे थे हमने 13 तारीख। 13 तारीख को? 13 कौन से? 13-2 को। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम इनके पास आए, इसके बाद हम मंत्री जी के पास पन्ना गए। मंत्री जी ने फ़ोन किया कि भैया ये क्या लफड़ा है, मशीन छोड़िए आप। उसके बाद उनके पीए साहब से भी बात हुई हमारी फ़ोन पे, तो बोले हम मशीन छोड़वा रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग बोलते कि कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास ना कोई मंत्री जी को हम जानते हैं। अभी आपने फिर शिकायत की है? जी, शिकायत नहीं, मैंने उनसे बोला कि भैया आपने जब्त किए किस बेस पर किए हैं, हमें कोई कागज़ दीजिए, आपकी मशीन आप 17 दिन से हमारी खड़ी करे हुए, तो बोले हमें कोई कागज नहीं देना, आप जो कुछ करना करिए। क्या ऑपरेटर के साथ मारपीट? हाँ, ऑपरेटर के साथ तुमने मारपीट करी थी, मारा भी थे ऑपरेटर को। ऑपरेटर का नाम क्या है? ऑपरेटर का नाम था यादव था हमारा, आकाश यादव। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नितिन यादव। कहाँ से? हटा से। आप ये बताएं, हटा में और सारे अवैध काम भी चल रहा है, रेत खनन चल रहा है पिछले 4 महीने से, किसी ने कोई वो नहीं किया कि रेत खनन में कोई पकड़े। हजारों ट्राली, कम से कम 10,000 ट्राली वहाँ से रेत निकाली गई है। हटा में और अन्य काम भी चल रहा है, मशीनों के चल रहे, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं, क्योंकि वो देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे पैसा लगता है? हाँ लगता है, कन्फर्म बात है। कौन लेता है पैसा? सभी लोग लेते हैं, यहाँ कौन नहीं लेता? ये पंकज कौन है यहाँ पे? पंकज क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट नौकरी लगा रखा है शायद उनको। क्या नाम है आपका? थमन सिंह जी, आप माइनिंग विभाग में लगातार 3-4 दिन से दिखलाई दे रहे हैं, क्या कारण है? ये कि हमारा ट्रैक्टर लगानी मरम डाल रहा था। हाँ। तो ये माइनिंग विभाग के सर गए राजपूत साहब। हाँ। उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ लिया। कहाँ की घटना है? ये भीलमपुर। भीलमपुर में? हाँ, भीलमपुर पंचायत चौरी का ट्रैक्टर थमन सिंह। तो ट्रैक्टर पकड़ लिया, फिर क्यों, क्या कह रहे थे? 50,000 रुपये दो, हम तुम्हारा ट्रैक्टर से लिया है यहाँ पर, उन्होंने फिर 31,000 का जुर्माना लिख दिया, ये देव नहीं दे रहे कलेक्टर साहब की भेज दिया। और राशि भी मांग रहे कुछ और? हाँ, 31,000 रुपया के बोल रहे थे। 31,000 के अलावा भी कुछ मांग रहे थे, वही 50,000 और। विभाग में एक रिश्वत लेने का मामला है, कोई पंकज नाम का कर्मचारी जहाँ है उसने 40,000 रुपये का आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी आपने ये बात बोली है, मेरे संज्ञान में आया है, इसकी पूरी जांच जो है, प्रकरण क्या है, उसमें क्या इस व्यक्ति की कर्मचारी यहाँ पे क्या काम करता है और किस काम के लिए ये बोला गया है, क्या ये जो आरोप लगा है वो सही है कि नहीं, पूरी जाँच जो है हम लोग पूरी कराएंगे और मजिस्ट्रेरियल जांच जो है मैं ADM से भी इसकी पूरी जांच कराऊंगा कि कहीं पे भी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई जो है वो उन लोग व्यक्ति को करेगी।